जुम्मे का दिन है, सुबह के बज रहे हैं 8:32। हमारी सिर्फ एक लैब और हमारा जाने का बिल्कुल दिन नहीं है, और कपड़े भी बिल्कुल प्रेस नहीं कराएगा। क्या करें भाई, जाना तो पड़ता ही है। हमारी तैयारी तो हो गई है कंप्लीट, और शीर साहब सो रहे, उनको तो कोई पता ही नहीं है भाई लैब भी लेनी है कि नहीं लेनी। अभी जाते हैं लैब में, लैब शैब लेते हैं। डेंटल लेट हो गए, लेकिन लेट सी सर क्या कहते हैं, फिर आपसे मिलते हैं क्लास के बाद। भाई आपने हाईटेक से क्या सीखा है बताओ? इसके लिए 4 साल लगेंगे सोचने के लिए। भाई आपने क्या सीखा है? पेशेंस। बस बस। नहीं यार, आप तो टॉपर नहीं हो यार, एक तो तुम्हारी जगह टॉपर ले आया। चले भाई, आपने क्या सीखा? मेरे साथ बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखा, मतलब 4 सालों में मिला क्या? हाईटेक ने दिया क्या? नॉलेज। सिर्फ नॉलेज? सिर्फ एक्सपीरियंस और पेशेंस। और एक मिनट, ये भाई साहब अभी आ रहे हैं लैब में, देखो। अच्छा, आप किस लिहाज से पूछना चाहते हैं? मतलब हर लिहाज से, हर लिहाज से मुझे सबसे बेस्ट चीज लगी है वो नॉलेज है। अच्छा, चले भैया आपने क्या सीखा? गोली करवाना। फिर ये बेहतरीन बात, मतलब तूने ये क्या? यस मैं कह रहा हूँ, हाईटेक से क्या सीखा तुमने? मतलब सबर सीखा है, जलील होना सीखा है। अच्छा, आप लोगों ने क्या सीखा हाईटेक से, किसी बारे में भी, पढ़ाई रिलेटेड जो? अच्छा सही है, ये भाई मसा भाई है, ये कोई सिखाएंगे? शीश भाई आपने क्या सीखा? इसने सोना सीखा है भाई। हाँ, आप क्या कह रहे थे? बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, अबूजी, अबूजी के नाम से आया तुम्हारे? अबूजी। और आप हाईटेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसी यूनिवर्सिटी है हाईटेक? एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, और यूनिवर्सिटी में बंदों को पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए, आप भी, मेरा मशवरा। आपका जी जी क्या है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 3+ है। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। छुट्टी होगी, ये छुट्टी होगी भाई। करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई पहले रखनी चाहिए, ये रियलाइज हो गया बाद में। यार यार, ये बंदे ने सीरियस पर्सन, इस बंदे ने आज एंड लेवल कर दिया। पहले इसकी ना इतनी सिंसियर बातें मैंने नहीं सुनी थी। आज ये इसका 2 से भी कम जीपीए था, अब इसने 3+ कर लिया। बस कंसिस्टेंसी और मेहनत, यही मैं सबको कहता हूँ, अपने साथ वाले लड़कों को भी, कि कंसिस्टेंसी और अगर मेहनत आप लोग रखेंगे तो ऊपर जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ऊपर तो जाना ही है, समझ रहे हो? ये ऑन द टॉप हायर, यू नो, समथिंग लाइक दैट। ये बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं क्या? रात को 8 बजे मैं अपलोड कर दूंगा ये। मुझे भाई तभी मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि ना ये कहते हैं मैं तेरे व्लॉग बनाना चाहता हूँ। लाजमी, लड़का टैलेंटेड है, अच्छे व्लॉग्स बनाता है, तो तारीफ तो बनती है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ओके, आप लोगों का प्यार है यार। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि तो यार अभी आज डिपार्टमेंट में जाने नहीं था, क्योंकि लैब हमारी होती है बाहर, तो लैब शैब ले ली। फिर हम उसके बाद अब जाते हैं, कपड़े लाते हैं और वो प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद जाके जुम्मा पढ़ते हैं।
तो यार आपके भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा पढ़ लिए, अब जाते हैं शक्कर के पास, कुछ खाते पीते हैं, फिर जाते हैं बाहर से क्या लाना आज वो क्या तुम रेंडा रेंडा बोलते हो? रेंडा पंजाबी में रेंडा पता नहीं, पंजाबी नहीं और... पंजाबी में रेंडा। हाँ तुम लोगों की पंजाबी में क्या? पंजाबी में धवाना। हाँ अच्छा, उर्दू में तरबूज। तरबूज तरबूज लाना है तो वो ले के आते, पहले खाते हैं कुछ फिर वो लेने जाएंगे। तो भाई साहब क्रिकेट कर दी हमने एंड, क्योंकि बारिश का सीन था ऑन और बारिश का सीन इतना मज़ा गया, इतना मज़ा गया कि ये मेरे पीछे देख सकते हैं पानी पानी एवरीवेयर पानी। सो मेरे सामने आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू है, वो आप देखें एंजॉय करें। हाँ भाई साहब आप लोग व्लॉग एंजॉय करें और मैं जाता हूँ चाय शाय पीता हूँ, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और अगला व्लॉग शायद 80% ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं, कहीं नई जगह एक्सप्लोर की जाए तो वहाँ पे जाएंगे, तो नेक्स्ट व्लॉग वहीं पे आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, देखना मत भूलिएगा, और दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अल्लाह ने के वहाँ।